नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यरमता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आपसी सहयोग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने बिश्केक में संघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सत्र को किया संबोधित। अरुणाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों और मंत्रियों के कामकाज के प्रशिक्षण से जुड़ी कार्यशाला मुंबई में शुरू। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, पार्टी के विचार और कार्यक्रमों से विधायकों को अवगत कराना है उद्देश्य। आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है विश्व रक्तदान दिवस। ईटानगर सहित राज्य के अनेक जिलों में रक्तदान जागरूकता पर आयोजित किए गए कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद से निपटने के लिए आपसी सहयोग का आह्वान करते हुए कहा कि आतंकवाद का साथ देने वाले देशों को दोषी ठहराया जाना चाहिए। आज संघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद से निपटने में सभी देशों के बीच आपसी तालमेल बहुत जरूरी है। उन्होंने युवाओं में अलगाववाद और कट्टरता की भावना को खत्म करना जरूरी बताते हुए आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए जाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 2 वर्ष से संघाई सहयोग संगठन का स्थायी सदस्य है और उसमें संगठन की सभी गतिविधियों में सकारात्मक सहयोग दिया है। मुझे यह घोषणा करते खुशी हो रही है कि भारतीय पर्यटन की वेबसाइट पर शीघ्र ही SCO देशों के पर्यटकों की आसानी के लिए रूसी इंटरफेस और रूसी भाषा में 24/7 पर्यटक हेल्पलाइन प्रारंभ होगी। एक्सलेंसी, SCO क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा के लिए शांतिपूर्ण, एकजुट, सुरक्षित और समृद्ध अफगानिस्तान एक महत्वपूर्ण कारक है। हमारा उद्देश्य अफगान लेड, अफगान ओन एंड अफगान कंट्रोल समावेशी शांति प्रक्रिया के लिए सरकार और अफगानिस्तान के लोगों के प्रयासों का समर्थन करना है। हमें खुशी है कि SCO अफगानिस्तान कॉन्टेक्ट ग्रुप के फर्दर एक्शन का रोड मैप तैयार हुआ है। एक्सलेंसी, हम सबका विजन हमारे क्षेत्र में हेल्दी कोऑपरेशन को मजबूत करना है। हेल्थ शब्द के अक्षरों से हमारे सहयोग के लिए एक अच्छा टेम्पलेट बन सकता है। H फॉर हेल्थ केयर कोऑपरेशन, E फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, A फॉर अल्टरनेट एनर्जी, L फॉर लिटरेचर एंड कल्चर, T फॉर टूरिज्म फ्री सोसाइटी, एज फॉर ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन। उधर प्रधानमंत्री ने कल बिश्केक में चीन, रूस और अफगानिस्तान के राष्ट्रपतियों से द्विपक्षीय बातचीत की। वो सबसे पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले। दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों की समीक्षा की और उन्हें आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री सितंबर के शुरू में रूस के व्लादिवोस्तोक के पूर्वी आर्थिक मंच की बैठक में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री कार्गिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया और ईरान के राष्ट्रपतियों से भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। आपने मुझे बधाई, अंतिम चुनाव परिणाम पहले से ही दे दी थी और यही नहीं, आपने तो पिछले साल जब भारत आए थे तब भी मेरे चुनाव विजय की भविष्यवाणी भी कर दी थी। अमेठी में राइफल बनाने के प्रोजेक्ट को, उसकी स्थापना के लिए आपका जो समर्थन मिला, और मैं इसके लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। AN-32 विमान हादसे पर राज्य के राज्यपाल डॉ. बी.डी. मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने गहरा शोक प्रकट किया है। उन्होंने मृतक वायु सैनिकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है। इस बीच आज रिकवरी टीम ने दुर्घटनाग्रस्त विमान के मलबे से कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर बरामद कर लिया है।
उधर रिकवरी टीम ने बताया है कि सभी मृतक सैनिकों के पार्थिव शरीर को निकालने का कार्य किया जा रहा है, हालांकि मौसम ठीक न होने के कारण काम में बाधा आ रही है। इस बीच सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि नागरिक प्रशासन की मदद से सभी कामों को तेजी से पूरा करने की कोशिश की जा रही है। अब राहत कार्य में 15 सदस्यीय टीम के साथ 3 और सदस्य शामिल हो गए हैं। अरुणाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों और मंत्रियों के कामकाज के प्रशिक्षण से जुड़ी 3 दिवसीय कार्यशाला आज से मुंबई में आयोजित की जा रही है। इस कार्यशाला के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मीडिया को बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य विधायकों और नए मंत्रियों को न सिर्फ सरकार की कार्य पद्धति और सदन के नियमों और परंपराओं से अवगत कराना है, बल्कि पार्टी की राजनीतिक विचारधारा की भी विस्तार से जानकारी देना है। कार्यशाला में पार्टी के अतिथि वक्ता भी विधायकों से संवाद करेंगे। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में अभी तो 5 साल अभी पूरा इस राज्य को अच्छा से लेके चलना है, तो मैंने सोचा कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है अपना विधायक और मिनिस्टर्स को ट्रेनिंग करवाना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि अपना पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है उसको भी जान पाए, और ऐसे MLA वो किस प्रकार से परफॉर्मेंस करना है, ऐसे मिनिस्टर किस प्रकार से गवर्नमेंट में काम करना है। तो यहाँ पे अभी 3 डेज का ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, और जो टॉपिक्स वगैरह जो यहाँ पे रखा है RMP में, बहुत ही अच्छा टॉपिक्स यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है। तो हमें उम्मीद है कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद में हमारा जो MLAs का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा रहेगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कल मुंबई में मीडिया और मनोरंजन उद्योग से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्तियों, फिल्म निर्माताओं और बॉलीवुड के निर्देशकों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री की इस मुलाकात का उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश को फिल्म और टेलीविजन के साथ साथ अन्य मीडिया माध्यमों के लिए एक ऐसी जगह बनाना है जहाँ निर्माता निर्देशक अपने कार्यक्रम तैयार करने या शूटिंग के लिए आ सके। मुंबई में लाइट कैमरा अरुणाचल विषय पर केंद्रित कार्यक्रम में बोलते हुए श्री खांडू ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में फिल्म निर्माण से जुड़ी सभी जरूरी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टरों ने सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराए जाने तक हड़ताल समाप्त करने से इनकार कर दिया है। हड़ताल के कारण राज्य के कई सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में पिछले 4 दिन से आपात सेवाएं OPD तथा अन्य सेवाएं बाधित हैं। कोलकाता के NRS मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक रोगी की मौत को लेकर 2 चिकित्सकों के साथ मारपीट के बाद से जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर है। भारतीय चिकित्सा संघ ने भी हड़ताली डॉक्टरों से एकजुटता व्यक्त करते हुए इस घटना के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने चिकित्सकों के खिलाफ हिंसा की निंदा करते हुए रोगियों और उनके साथ आने वालों से संयम बरतने को कहा है। गुजरात में चक्रवाती तूफान वायु के रास्ता बदल देने से तूफान का असर कम हो गया है। हालांकि राज्य के तटवर्तीय शहरों खासकर विरावल में तेज हवाओं और भारी बारिश के कारण कई घरों को नुकसान पहुंचा है, वहीं आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तूफान की बारिश से प्रभावित 10 जिलों में स्कूल आज बंद है, लेकिन वायु चक्रवात की आशंका खत्म हो जाने के बाद राज्य सरकार ने तूफान के लिए जारी अलर्ट वापस ले लिया है। गुजरात में प्रभावित इलाकों में सभी स्कूल कॉलेज कल से खुल जाएंगे। हालांकि समुद्र में हाई टाइड यानी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है और मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। आज विश्व रक्तदान दिवस है। इस वर्ष का स्लोगन है सबके लिए सुरक्षित रक्त। इस अवसर पर राजधानी ईटानगर सहित राज्य के अनेक हिस्सों में चिकित्सा विभाग, अस्पतालों और अन्य गैर सरकारी संगठनों की ओर से रक्तदान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर ईटानगर के बैंक्वेट हॉल में स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए स्वास्थ्य सचिव सुश्री जूही मुखर्जी ने कहा कि रक्तदान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कभी भी किसी को खून की जरूरत पड़ सकती है। जबकि हमारा बॉडी में जो ब्लड इतना ज्यादा है, जो 75 मिलीलीटर ML देगा, तो हमारा कोई नुकसान नहीं। लेकिन ये जो हम जो दे रहे हैं, जो एक्स्ट्रा जो ब्लड मेरे पास है, तो उनको देखिए हम दूसरा का जान बचा सकता है। आप देख सकते हैं हम ब्लड डोनेशन दे चुका है और ये मेरा 4 times हो चुका है, और हम चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं हमारे इस हॉस्पिटल में, तो आप भी ब्लड दे, बिकॉज क्योंकि हम किसी को कुछ दे पाए या ना पाए, एक ब्लड 1 unit कोई बड़ी बात नहीं, इससे किसी की ज़िंदगी बच सकता है और ये बहुत पुण्य की बात है।
उधर रक्तदान दिवस के अवसर पर ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट स्थित बकिनपर्तिन जनरल अस्पताल में आयांग एनजीओ की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के विभिन्न स्थानों से आए लोगों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर सीमा सड़क संगठन बीआरओ के जवानों ने भी रक्तदान किया। ब्लड डोनेट करके ये एक प्रिविलेज जैसा है कि आई एम गेटिंग टू सेव लाइव्स बाय डोनेटिंग माय ब्लड। आई रिक्वेस्ट ऑल पीपल टू डोनेट ब्लड एंड एटलीस्ट सेव अ लाइफ। विश्व भर के जितने भी वॉलंटियर्स हमारी तरह जो काम करते हैं वॉलंटियर ब्लड डोनेशन में, ये लोग इस तरह डोनेशन कैंप्स करते हैं और खून मुहैया कराते हैं लोगों को, जो बीमारी लोग हैं उनकी जिनको जरूरत होता है। विश्व रक्तदान दिवस का उद्देश्य सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादों के प्रति जागरूकता पैदा करने और रक्तदाताओं का आभार व्यक्त करना है। इस वर्ष का विषय है रक्तदान और सबके लिए सुरक्षित रक्त संरक्षण। इस वर्ष का नारा है सबके लिए सुरक्षित रक्त। पेश है एक रिपोर्ट। हर वर्ष 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। इसका उद्देश्य है रक्तदान के महत्व के विषय में जानकारी देना और सभी को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए जागरूक करना। आज विश्व रक्तदाता दिवस है। इस दिन हम अपने वॉलंटरी या स्वैच्छिक रक्तदाताओं को आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, याद करते हैं और इस दिन के सेलिब्रेशन के माध्यम से हम औरों में जागरूकता फैलाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा संख्या में आगे आएँ और वो रक्तदाता बन पाए। रक्तदान एक सरल प्रक्रिया है जिसमें लगभग 20 मिनट का समय लगता है। इस प्रक्रिया के दौरान रक्तदाताओं को किसी प्रकार की कोई समस्या या तकलीफ नहीं होती, वो आधे घंटे में ही घर जा सकता है। खून की मात्रा डोनर के सरप्लस ब्लड से ली जाती है जो 21 दिन में दोबारा बन जाता है। व्यक्ति हर 3 महीने में रक्तदान कर सकता है। एक इकाई रक्तदान करके एक रक्तदाता 3 जाने बचा लेता है, क्योंकि उस एक इकाई का 3 भाग बनाया जाता है, वो पैक्ड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है। यदि व्यक्ति को रक्त संबंधी विकार हो जाए, चोट लगने की स्थिति उत्पन्न हो या किसी अन्य कारण से शरीर में रक्त की कमी हो जाए तो रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज और हीमोफीलिया जैसी बीमारियों में जीवन भर नियमित रूप से रक्त चढ़ाना पड़ता है। वहीं बड़े ऑपरेशन या सर्जरी में भी रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जो 18 से 65 साल की उम्र का हो, वो अपने पास के रक्तदान केंद्र में जाकर या किसी कैंप में रक्तदान कर सकता है। आपके द्वारा किया गया रक्तदान कई लोगों की जिंदगी बचा सकता है। रक्तदान अवश्य करें। राजधानी क्षेत्र जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से वाहनों की जांच पड़ताल और सुरक्षित ड्राइविंग के लिए चलाए गए अभियान का नागरिकों ने स्वागत किया है। उधर जिला परिवहन विभाग के अनुसार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों से कल लगभग 27,000 जुर्माना वसूल किया गया। परिवहन अधिकारी के अनुसार ज्यादातर 2 पहिया वाहनों का चालन किया गया, जिनमें अधिकांश मामले हाई सिक्योरिटी वाले रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट से संबंधित थे। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।